Good morning, class. This is our new ANA Physio class in which today we will study about the next one of the most important topic of male reproductive system, that is spermatogenesis. ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम एक क्लास में तो इसको कंप्लीट कर नहीं पाएंगे. दो तीन क्लासेस में हमारे को इसको पढ़ना पड़ेगा. तो हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है भाई? मेल गैमेट सेल कौन सी होती है? स्पर्म होती है, स्पर्मेटोजोआ होता है. स्पर्मेटोजोआ के बनने के, उसके निर्माण के प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न से चलता है. मेनली मियोसिस डिवीज़न, माइटोसिस तो पूरी बॉडी में चल ही रहा है, मेन मियोसिस डिवीज़न से ये चलता है. मियोसिस डिवीज़न वो डिवीज़न होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है सेल में. तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में स्पर्म प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. मेल में स्पर्म प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और इसमें मियोसिस डिवीज़न चलता है. मियोसिस के द्वारा ये स्पर्म बनते हैं. दो सक्सेसिव सेल डिवीज़न चलेंगे गैमेट फॉर्मेशन में, जिससे कि न्यूक्लियाई बनेगी और क्रोमोसोम के नंबर आधे रह जाएंगे. दो सक्सेसिव सेल डिवीज़न चलेगा और इस क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाएंगे. मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम के नंबर होते हैं 46. ये डिप्लॉयड स्टेज कहलाती है. स्पर्मेटोजेनेसिस में ये आधे रह जाएंगे यानी 23 हो जाएंगे, तो उसको हम हैप्लॉयड स्टेज कहते हैं. ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्यूबर्टी के दौरान शुरू होता है और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में चलता है. प्यूबर्टी के दौरान शुरू हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में ये प्रोसेस चलेगा. अब स्पर्म फॉर्मेशन की साइड देखिए, ये टेस्टिस दिखाई गई है. टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है जो कि आगे जाकर के एपिडाइमस में खुल रही है. एपिडाइमस आगे जाकर के वासा डिफरेंस में खुल रहा है. यहाँ पर उसके आसपास टेस्टिकुलर वेन्स और आर्टरी दिखाई गई और ऊपर स्पर्मेटिक कॉर्ड है. तो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ये स्पर्म बनने की, स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया चलती है, जिसको आप क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स देखिए, उसका कट सेक्शन दिखाया गया, ट्रांसवर्स सेक्शन ट्यूबुल का दिखाया गया रेट के अंदर. तो ये देखो पेरीफेराई पर सेल्स आपको दिखाई गई हैं, उसके बीच बीच में सर्टोली सेल्स दिखाई गई हैं जो इनको नरिश करेगी. ये स्पर्मेटोगोनियम है. स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनेंगे? स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे. स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड्स और ये स्पर्मेटोजून बने हुए दिखाए गए हैं, धागे धागे से स्पर्मेटोजून या स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म. ऐसे स्लाइड जब आप देखते हो, प्रैक्टिकल अगर इसका होता आपके, तो हम आप लोगों को ये स्लाइड दिखाते. ये स्पर्म की एनाटमी देखिए आप, क्योंकि हमने कहा भाई स्पर्म बना, स्पर्म की एनाटमी क्या है, थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं अच्छे से देखने के लिए. हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, ये चार स्ट्रक्चर पाई जाती है. कईयों में नेक जो है वो बताते नहीं है, बोलते नहीं है वर्ड, सीधा हेड के बाद मिड पीस बोल देते हैं. पर मिड पीस में ये बीच में छोटी सी जगह होती है जिसको अपन नेक भी कहते हैं. तो अगर मिड पीस खाली बोलेंगे तो भी ठीक है, नेक के साथ बोलेंगे तो भी ठीक है. तो ये हेड, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आधा कवर किए हुए रहती है. देखिए ऊपर का एक आधा पार्ट जिसको आप क्या कहते हैं? एक्रोसोम. ये क्या होती है? स्पर्म की कैप होती है, स्पर्म की कैप बनाते हैं. उसके जस्ट नीचे सेंट्रियोल दिखाया गया है और उसके चारों तरफ, उसके नीचे पास में काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाए गए हैं जो कि क्या करते हैं? इसको ATP प्रोवाइड करते हैं, यानी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि इसका मूवमेंट हो सके. स्पर्म को एनर्जी चाहिए ना मूव करने के लिए, कि इसको वेजाइना से होते हुए, मतलब पहले एक्सटर्नल जिनेटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जिनेटेलिया से होते हुए, वेजाइना से होते हुए सर्विक्स में, फिर यूट्रस से, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में और उसके एम्प्यूला पार्ट में जाना होता है, फिर स्पर्म के अंदर घुसना पड़ता है. तो इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़ बेचारे इस स्पर्म को करनी पड़ रही होती है, तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए. तो एनर्जी इस माइटोकॉन्ड्रिया से उसको रिलीज होती है, मतलब उसको मिलती है. यहाँ पे इसके पास में टर्मिनल डिस्क, फिर ये टेल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसका एक्सियल फिलामेंट बताया गया है और लास्ट में एंड पीस है. अब स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? ये प्रिमिटिव स्टेम सेल होती है जो कि फॉलिकुलर स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन के द्वारा स्टिम्यूलेट होगी.
माइटोसिस इसमें डिवीजन, सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन ही चलेगा जिससे कि खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं और फिर उनसे डॉटर सेल बनती है, डॉटर टाइप ए और टाइप बी सेल्स बनती हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया में प्रिमिटिव स्टेम सेल FSS से स्टिमुलेट होकर के माइटोसिस माइटोटिकली डिवाइड करके खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाती है जिससे कि टाइप ए और टाइप बी डॉटर सेल्स बनेंगी। ये स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए सेल देखिए ये ब्लड टेस्टिस बैरियर के बाहर ही रहती है और खूब सारी डॉटर सेल्स बनाते रहती है जब तक कि इंसान की ज़िंदगी चल रही है, जब तक कि वो मर नहीं जाती है। तो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया आपको डायग्राम में दिखाया गया, इसमें टाइप ए और टाइप ए डी टाइप ए पी स्पर्मेटोगोनियम दिखाया गया है, टाइप ए पी से टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हुए बताए गए हैं। स्पर्मेटोगोनिया में टाइप बी सेल्स जो होती है वो आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगी, आगे जा करके डेस्टाइंड होकर के ये मियोसिस डिवीजन करेंगी। मियोसिस फर्स्ट से सेकेंड में चलते हैं और खूब सारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। मियोसिस सेकेंड फोर्थ में चल रहा है, तो फोर्थ में क्या मतलब, इसे चार स्पर्मेटिड्स बनेंगे। मियोसिस फर्स्ट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और मियोसिस सेकेंड से चार स्पर्मेटिड्स बनते हैं जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया से इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनियम बनता है, फिर इसे टाइप ए और टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे, टाइप बी से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा जिसमें मियोसिस फर्स्ट चलेगा, जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर मियोसिस सेकेंड चलेगा और स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स से क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ये डिवीजन देखिए भाई क्या बन गया, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन से स्पर्मेटिड्स बने, स्पर्मेटिड्स आगे जा करके स्पर्मेटोजोआ मैच्योर होकर के स्पर्मेटोजोआ जिसको मैच्योर स्पर्म आप कहते हो। ये हेड उसके ऊपर कैप एक्रोसोमल कैप, उसमें न्यूक्लियस दिखाया गया है, नीचे सेंट्रियोल है, मिडल पीस माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैजिला। अब ये काफ़ी अच्छे से बड़ा सा और डायग्राम, ओहो बड़ा तो हुआ नहीं। ये डायग्राम्स भाई आपको बनाने हैं, जितने बना सकते हो बनाते जाइए। स्पर्मेटोगोनियम 45, स्पर्मेटोगोनियम जो जर्म सेल कहलाती है जिसमें 45 क्रोमोसोम है, इसमें माइटोटिक डिवीजन चलता है सबसे पहले, तो खूब सारी 46 सेल्स बन जाती हैं। ये जो 46 कंटेनिंग क्रोमोसोम कंटेनिंग जो डॉटर सेल्स हैं उनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चलेगा जिसे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, फिर सेकेंड डिवीजन से चार सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन से चार स्पर्मेटिड्स बने और फिर ये स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर के स्पर्म सेल्स, चार स्पर्म सेल्स बना लेते हैं। लूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में ऐसा चलता है कि स्पर्म सेल्स बनते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का एक छोटा सा टुकड़ा काट करके बड़ा करके बताया गया है। सस्टेनिक्यूलर सेल्स है, सर्टोली सेल जिनको कहते हैं, ये उसके चारों तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, स्पर्मेटोगोनियम या जर्म सेल उसे चिपकी हुई है, टाइट जंक्शन बताया गया है सस्टेनिक्यूलर सेल्स के बीच में। ये सस्टेनिक्यूलर सेल का न्यूक्लियस दिखाया गया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड्स बने और स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पर्म सेल्स बने। ये मल्टीप्लिकेशन दिखाया गया है, सेल क्लीवेज हो रहा है माइटोसिस के द्वारा, स्पर्मेटोगोनिया 46 दिखाया गया है। सबसे पहले फेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फिर मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन कैसा, कौन कौन सा डिवीजन माइटोसिस मियोसिस कौन कौन चलता है, ये टाइप ऑफ जर्म सेल दिखाई गई, जर्मिनल एपिथेलियम बताई गई, ये क्रोमोसोम के नंबर दिखाए गए हैं। तो पहले जर्म सेल में 46 क्रोमोसोम थे, माइटोसिस और सेल क्लीवेज चला, स्पर्मेटोगोनिया बने जिसे 46 ही क्रोमोसोम वाली सेल्स बनी है, इनमें रिपीटेड डिवीजन चल रहा है। मियोसिस फर्स्ट पहला डिवीजन जिसमें सेल क्लीवेज भी होता है, इसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा वो भी डिप्लॉयड नेचर का होगा, देन मियोसिस सेकंड चलेगा और सेकंड क्लीवेज होगा जिससे क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, ये हैप्लॉइड होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटिड्स बनेंगे जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस चलेगा, ये भी हैप्लॉइड है ऑब्वियस, स्पर्मेटोजेनेसिस से फाइनली क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ये प्रॉक्सिमल जर्मिनल जर्म लाइन दिखाई गई है, इसकी बडिंग हो रही है, स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं, इनमें डिवीजन हो रहा है, स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ जिसके स्यूडोपोड होते हैं। प्रोग्रेशन टू पैकाइटिन, मियोसिस कंप्लीशन दिखाया गया है, सिमेट्रिक डिवीजन चल रहा है, अनइक्वल पार्टी
फंक्शनिंग हो जाती है ऑर्गेनल्स और प्रोटीन्स की। ये स्पर्मेटिड्स यहाँ पर एक्टिवेटेड हो गए, इसका स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वो प्रॉक्सिमल गोनाड में चल रहा है, ये स्पर्मा थीका में चल रहा है डिवीजन। बस इसके साथ आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे का पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो थैंक यू।